कोटला से। सलाम वालेकुम। की भराई का काम शुरू हो चुका है और बस अभी लंच टाइम है तो इस वजह से मशीन रुकी हुई है और ये टैंक भी आपका उठा दिया गया है इस वक्त ज़मीन से कोई 2.5-3 फीट। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं मोहम्मद अफान शेख। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ 10-61 के ऊपर और 10-61 की इस वक्त भी हमारी भराई का काम चल रहा है प्लेन का माशाल्लाह से। ये मेरा थर्ड प्रोजेक्ट है और 80 गज के अंदर ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है और जैसा कि आप देख सकते हैं ये गुड़ ब्लॉक है और बहुत ही ज़बरदस्त ब्लॉक है व्यूवर्स। और ये आप देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त यहाँ पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त बिल्डर ने बनाया हुआ है, आप लोगों के लिए बनाया व्यूवर्स, ताकि आप लोग आएँ आके कंस्ट्रक्शन करें और जल्द से जल्द इसको आबाद करें ताकि फिर वो आपको कारपेटिंग करके दे यहाँ पर और बेहतरीन रोड से आपको जो है वो हमकिनार करें और आपको जो है क्या कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत दे। यहाँ पर तकरीबन बिल्डर की तरफ से जो है वो डेवलपमेंट का काम कम्प्लीट हो चुका है, वो आप देख सकते हैं पीछे पार्क भी बना हुआ है और आप ये देखें माशाल्लाह से व्यूवर्स बहुत अच्छी जगह है ये और 80-120 गज के यहाँ पे प्लॉट हैं। इसी ब्लॉक के अंदर व्यूवर्स कपड़ा मार्केट है, इसी ब्लॉक के अंदर डायलिसिस सेंटर है, इसी ब्लॉक के अंदर स्कूल है, इसी ब्लॉक के अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, पार्क हैं। तो कहने का मकसद है व्यूवर्स ये आज हमारी भराई का काम चल रहा है, थर्ड प्रोजेक्ट है मेरा और अभी देख सकते हैं व्यूवर्स की माशाल्लाह से इस वक्त ये लंच टाइम हो गया, इस वजह से हमारी मशीन अभी बंद पड़ी हुई है और काम का मटेरियल और काम का आपको पता है कि किस तरीके से काम को मैंने यहाँ पर नीचे जाल वगैरह का काम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म के काम के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करिए और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए कि पूरा पूरा काम करके दें। तो आप ये देखें माशाल्लाह से व्यूवर्स ये ज़मीन से हमने इसको 3 फीट ऊपर उठाया है और इसी तरीके से जो है क्या कहते हैं हमने 2.5 फीट जो है इसको रखा है अपने कार पोच वाले एरिए को। और व्यूवर्स कहने का मकसद है ये 80 गज का प्लॉट है और ये काम इस वक्त हमारा ये फिनिश होने जा रहा है और अवामी नक्शे के ऊपर व्यूवर्स ये है और अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो ये हमारा ड्राइंग रूम जो है ये हमने 13 फीट पे रखा और 12 फीट के ऊपर सीढ़ियाँ निकालेंगे क्योंकि अमूमन 80 गज के ऊपर खड़ी सीढ़ियाँ आती हैं तो इस वजह से हमने इसकी स्पेस को थोड़ा बढ़ाया ताकि हमारी सीढ़ियों के जो स्टेप्स हैं वो कम से कम निकलें। और इसी तरीके से पीछे जो है इसका किचन बनेगा और इसके साथ ही वाशरूम है और एक वाशरूम जो है वो बेडरूम के साथ है, बेडरूम के साथ इसको कंबाइंड कर दिया जाएगा, ये दोनों रूम एक साथ होंगे। वो बहरहाल जब आपके सामने ये आएगा ऊपर की तरफ तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको दिखाऊंगा बताऊंगा। तो व्यूवर्स ये प्लॉट नंबर L1061 है और ये नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फेज़ 1 ब्लॉक गोल्ड ब्लॉक है और जो बहुत करीब है, नियर है ये 4K चौरंगी से। अगर आप आएंगे 4K चौरंगी से तो बाबा मोड़ के साथ ही बिल्कुल ये इनके मेन ऑफिस से रोड अंदर आता है और वहीं से इसका रास्ता है। तो कहने का मकसद है व्यूवर्स कि यहाँ पर आएँ आकर आप लोग अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें, बहुत महंगाई हो गई है, बहुत इस वक्त इन्फ्लेशन है और आप यकीन माने कि आप लोगों के लिए बड़ी परेशानी का सामना होगा जब आप लोग बनाने खड़े होंगे क्योंकि इतनी महंगाई हो गई है इस वक्त। और एक प्लेन जो है अब तक इसकी इसके अंदर हमारी 40 बोरियाँ जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं और मज़ीद हमने 10 बोरियों का इस वक्त इनका किया है ताकि जब वो आएँ और इसके अंदर हमारे काम की जो रुकावट है वो चलें। अगर आपको देख नज़र आ रही होंगी तो इस वक्त खाली हमारे पास 2-3 बोरियाँ नज़र आ रही हैं, बाकी हमने 10 बोरियाँ और मंगाई हैं क्योंकि ये कम अज़ कम जो है 55-60 बोरियाँ जो है इस वक्त जो है व्यूवर्स इसकी प्लेन के अंदर चली जाती हैं। अगर आप एक 30 के रेशियो से चलाएँ तो आपको पता है कि ये व्यूवर्स के यहाँ पर एक प्लॉट जो है 80 गज का भी कितनी बोरियाँ ले जाता है। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग्स अच्छा लगा होगा और आप लोगों को अवेयरनेस भी हुई होगी, मोटिवेशन भी हुई होगी। इसी तरीके से वो सामने जो है वो हमारे मंसूर साहब हैं, वो अपना प्लॉट बना रहे हैं और इंशाअल्लाह मैं उनसे भी इंटरव्यू लूँगा, उनको उनसे भी पूछेंगे कि किस तरह का काम उन्होंने किया है और उनके काम के मियार को भी देखेंगे। मैंने तो उनके काम को मियार को देखा है, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है माशाल्लाह से। तो मैं इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को उनके प्लॉट पर ले जाकर भी खड़ा करूँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा कि किस तरीके के काम को वो मैनेज कर रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। जो लोग सेल परचेस करना चाहते हैं वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, जो कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं वो भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं, जो मुझसे हो सकेगा इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के लिए करूँगा। और किसी ने अगर अपनी कोई चीज़ सेल करनी है तो वो काइंडली मुझे व्लॉग हवाले से वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला मैं उनको अपने चैनल के ऊपर उनके घर को, उनकी शॉप को जो है मैं इनके फ्लैट को मैं अपलोड करूँगा ताकि आप लोगों के लिए सेल में आसानी हो। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। मैं मोहम्मद अफान शेख आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।